फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे छोले बनाएंगे जिसमें हम एक बूंद भी तेल, घी या बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें प्याज डालेंगे, ना लहसुन, ना टमाटर और ना ही बाजार का कोई भी छोले मसाला इसमें डालेंगे। फिर भी ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो इस छोले की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप छोटे वाले छोले लेंगे। हमें इस रेसिपी में छोटे वाले छोले ही लेना है, बड़े वाले काबुली चने नहीं लेना है। इन्हें हम रात भर पानी डालकर फूलने के लिए रखेंगे। मैंने पहले से ही एक कप छोले को ओवरनाइट सोक करके रखा है। अब हम इसे पकाएंगे। तो इसके लिए हम चाय का पानी तैयार करेंगे। 2 कप पानी में 1 टीस्पून चाय पत्ती डालकर इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही अच्छे से उबाल आएगा तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अब हम इस पानी को छोले में डालेंगे। आप चाहे तो चाय की पत्ती के पानी की जगह इसमें 2 टी बैग भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। 5 से 6 सीटी आने के बाद अब हम कुकर को अलग रख देंगे और अब हम छोले के लिए ड्राई मसाला बनाएंगे। पैन में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया, 5 से 6 लौंग, 20 से 25 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 चक्रीफूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 टुकड़ा जावित्री, 2 तेज पत्ते। सभी मसालों को लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट मसालों को हमने भून लिया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो पैन अभी गर्म है तो कुछ देर तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चीनी। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बाजार के छोले मसाले में अनारदाना डाला जाता है, पर अनारदाना हर जगह आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए हमने इसमें अमचूर पाउडर और चीनी का यूज़ किया है। अगर आपके पास अनारदाना है तो आप 2 टीस्पून अनारदाना भी इसमें डाल सकते हैं। तो मसाले को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और छोले मसाला बनकर तैयार है। इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। अब हम छोले को चेक करेंगे। छोले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 टीस्पून या 1 टेबलस्पून छोले मसाला जो हमने बनाया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। बीच में हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर छोले को हमने पका लिया है और छोले बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। इन छोलों को आप चावल या चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से इसे कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। तो आप इस हेल्दी छोले की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।